अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स के हवाले से। और इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की थी, जिसमें मैंने काइनेमेटिक्स के फार्मूले के हवाले से बात की थी। और नॉर्मली मैंने दो तरह के फार्मूले को डिस्कस किया था, एक लीनियर बॉडीज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन और एक फॉलिंग बॉडीज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। और मैंने ये भी आपको बताया था कि उन फॉर्मूले के अंदर जो आपके पास लीनियर बॉडीज़ में जो तीन तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं, और जो फॉलिंग बॉडीज़ में हम इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फॉर्मूले हैं उसमें हम कन्वर्ट करते हैं ए टू जी में, और यानी कि एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, और एस को जो कि डिस्टेंस, उसको कन्वर्ट करते हैं इंटू हाइट। और अगर आप देखना चाहें मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, और वहाँ पे ये वीडियो मौजूद है। मैंने उसमें भी आपको लेक्चर दिया था कि कैसे हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, तो आप जाके देखें। सो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि रिलेट करती हैं लीनियर बॉडीज़ पे और फॉलिंग बॉडीज़ पे। सो फर्स्ट वी हैव अ न्यूमेरिकल इन फ्रंट ऑफ यू। अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली दो बातें आपको याद रखनी है कि कभी भी कोई न्यूमेरिकल अगर आपके पास मौजूद है और उस न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास कोई यूनिट है, तो हमें उस यूनिट को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी का मौजूद है। सेकंड थिंग इज़ कि कुछ न्यूमेरिकल्स में समटाइम पूरे पूरे नाम लिखे हुए होते हैं। लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेट लिखा हुआ है, विच मीन्स कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मौजूद है। बट समटाइम यहाँ पे कुछ यूनिट्स लिखे हुए होते हैं जो कि हमें खुद ही मालूम करने होते हैं ताकि हम डेटा में उसको प्रॉपरली लिख लें। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर में मीटर पर सेकेंड किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है ये हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वी हैव टू नो द फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट, देन वी कैन सॉल्व इजीली। सो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड रिलेट करता है वेलोसिटी के यूनिट को, बट वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ वेलोसिटीज, वन इज इनिशियल वेलोसिटी एंड सेकेंड वन इज फाइनल वेलोसिटी। सो विच टाइप ऑफ वेलोसिटी वी हैव, तो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेक्चर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही होती है तो वी नो कि वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, या कोई भी बॉडी एट रेस्ट है तब भी हम कहते हैं कि वो हमारी इनिशियल है, मींस कि वो स्टार्टिंग वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक बस मेरे सामने से मूव कर रही है, तो मेरे हिसाब से वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जो वी आई वो आपके पास कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड जो डेटा आपके पास गिवन है वो है एक्सेलरेट्स, वो कार जो है वो बस जो है वो एक्सेलरेट करती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। फाइंड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे सेकेंड वेलोसिटी विच इज़ फाइनल वेलोसिटी, ये आपको फाइंड करनी है आफ्टर 6 सेकेंड, कि 6 सेकेंड के बाद जो बस की फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो गिवन डेटा में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, एक्सेलेरेशन आपको दी हुई है ए, जिस ये वी आई और ए जो है हम सिंबल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरा कंप्लीट लिखते हैं या इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक निशानी है टू आइडेंटिफाई कि किस फिजिकल क्वांटिटी का ये सिंबल है। और टाइम आपके पास टी है वो 6 सेकेंड है, रिक्वायर्ड में आपके पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है बस की, वी एफ है वो। सो फार्मूला जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है, ये आपके पास लीनियर बॉडीज का जो फर्स्ट फार्मूला है वो है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। नाउ वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी में आपको वी एफ निकालना है, सो वी नो द वैल्यू ऑफ वी आई ए एंड टी, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। तो बारी बारी वैल्यूज को पुट करके अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके सामने 15 प्लस 5 6 6 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना बनता है, 30। तो 30 और 15 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, 45। और फाइनल वेलोसिटी का जो यूनिट है, रिमेम्बर वन थिंग, हमेशा आपके पास जो है वो यूनिट भी आएगा, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क जो है वो डिटेक्ट होंगे, सो बी केयरफुल। और यहाँ पे आपको वी एफ का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड लिखना है, और इस तरीके से जो फाइनल वेलोसिटी है बस की आफ्टर 6 सेकेंड वो कितनी मिली आपको, 45 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड न्यूमेरिकल आपके पास है वो है अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन आपके पास यहाँ पे एक कार है लेकिन ये मूव नहीं कर रही, वो स्टार्ट होती है टू मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देखते हैं तो सामने कोई भी एक कार है और वो रुकी है हालत में, यानी कि एट रेस्ट है, और वो स्टार्ट होती है मूव करने के लिए, तो वो जब स्टार्ट हुई है तो उस टाइम पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी थी, 0, क्योंकि वो एट रेस्ट थी। और वी नो के दो तरह की स्टेट्स होती है ऑब्जेक्ट की, एक होती है रेस्ट और एक होती है मोशन। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी 0 है, बिकॉज के
इट हैज नो मूवमेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से इजीली दैट वी आई इज इक्वल्स टू जीरो एंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग साइड. अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन आपको अगेन जो है उस ऑब्जेक्ट की दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 15 मीटर पर सेकेंड में दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ पावर का. तो याद रखिएगा कि स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और जो आपके पास सिंगल पावर है वो आपको रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी के यूनिट को. आपको टाइम निकालना है टू ट्रैवल 50 मीटर डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया कितने टाइम में वो आपको बताना है. तो डेटा देख लेते जल्दी से. इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है वो है आपके पास वी आई इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन आपको कार की दी हुई ए 5, डिस्टेंस आपको दिया हुआ एस 50, और टाइम आपको निकालना है. सो वी हैव सेकेंड फार्मूला ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन लीनियर बॉडीज विच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 अपॉन 280 स्क्वायर. सो एस आपको कितना दिया हुआ है 50, वी आई 0 है, टाइम नहीं पता, प्लस 1 अपॉन 2 ए आपके पास है 5, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 5 अलॉन्ग साइड टी इसका स्क्वायर. यहाँ पे 0 टी से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और उसके बाद जो है 1 अपॉन 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई किया तो 5 अपॉन 2 टी स्क्वायर. अब आप चाहे तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, बट स्टेप्स को मजीद बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि 2 को डिवाइड किया हुआ है वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया है, और 5 यहाँ पे टी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो गया. तो यहाँ पे जो टी स्क्वायर की आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो वैल्यू आई है वो 20 है, बट वी हैव टू फाइंड ओनली टी वैल्यू नॉट टी स्क्वायर. सो रिमूव द पावर ऑफ 2, वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, में हमें जब टी चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड. तो 20 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना आ गया, 4.47. तो टाइम जो 50 मीटर डिस्टेंस पे मिला हमें वो कितना मिला, 4.47 सेकेंड. थर्ड नोमेरिकल इज अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर. नाउ इन दिस नोमेरिकल यू कैन सी इजीली दैट बॉल इज ड्रॉप, बॉल ड्रॉप की गई है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर. अब यहाँ पे लीनियर बॉडीज की बात नहीं है, यहाँ पे बात होगी फॉलिंग बॉडीज की. नाउ फॉलिंग बॉडीज में जो फॉर्मूला होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. लाइक ए जो है वो कन्वर्ट होता है इंटू जी में, और एस जो होता है वो कन्वर्ट होता है इंटू एच में, यानी कि हाइट में. सो ड्रॉप होने से पहले बॉडी किस स्टेट में थी, रेस्ट में. सो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, हाइट आपको 50 दी हुई है, और अर्थ की जो ग्रेविटी है विच इज कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वॉट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड, ग्राउंड पे टच करने से पहले की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एफ. सो द फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू डेटा फॉर्मूला इज 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जी एच जो है जी ए की जगह पे आ गया और एस की जगह पे एच आ गया, और ये मैंने वीडियो में बाकायदा मैंशन किया हुआ है. तो आप जाके उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस नोमेरिकल्स पे आएँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. तो यहाँ पे जो 2GH है उसमें आपने जी की जगह पे 9.8 रखा हुआ है, और एच की जगह पे जो है वो आपने 50 रखा हुआ है. वी एफ स्क्वायर निकालना है, यानी कि वी एफ निकालना है, वी एफ स्क्वायर मौजूद है और वी आई 0 है, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दीस टर्म्स, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटेड वो है 980. वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 980 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. जब आप स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड वी एफ वैल्यू, सो स्क्वायर रूट हम लेंगे तो जो 980 का स्क्वायर रूट है वो है 31.30 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ अ बॉल बिकम टचिंग ग्राउंड वो कितनी मिली आपको, 31.30 मीटर पर सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ नोमेरिकल्स थे जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं, और इन नोमेरिकल्स को देखते हुए ही हम और नोमेरिकल्स करेंगे ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स. सो आप इसको देखें और समझें, और फिर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और नोमेरिकल्स कराऊंगा. सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.